तो चलिए गाइस बात करते हैं ओप्पो रेनो 7 के बारे में। जी हाँ, सो गाइस मजा कर रहा हूँ, आप लोग शायद सोच रहे हो ओप्पो रेनो 7 तो लॉन्च हो गया तो उसके बारे में हजार हजार वीडियो आपको मिल जाएंगे। सो क्यों ओप्पो रेनो 7? जी हाँ, सो गाइस आज की इस वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि जो ओप्पो रेनो 7 का और एक नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है जो थाईलैंड में बट इंडिया में बहुत ही जल्द आने वाला है, ओप्पो की तरफ से अनाउंस हो गया है बट अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो स्पेसिफिकेशन वगैरह है थाईलैंड वेरिएंट जो रिलीज किया है तो उस हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको आज शेयर करने वाला हूँ जो नया वेरिएंट आने वाला है। तो गाइस सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो पर और वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, और पहली बार अगर चैनल में विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए क्योंकि इस चैनल में जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तब आपको बस सब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए गाइस जान लेते हैं कौन सा नया वेरिएंट है। तो गाइस ओप्पो का जो नया वेरिएंट है ओप्पो रेनो 7 का, तो ओप्पो रेनो 7Z जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आने वाली है जो ऑलरेडी थाईलैंड में लॉन्च हो गया है उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। तो गाइस जो फर्स्ट डिस्प्ले आने वाला है वो आपका 6.43 इंच में आपको एवरेज साइज का डिस्प्ले देखने को मिल जाएंगे जो एमोलेड स्क्रीन होगा, और उसका जो प्राइस है वो भी आपको वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा जो थाईलैंड में लॉन्च हुआ है उस हिसाब से कितना प्राइस हो सकती है इंडियन वेरिएंट में तो वो भी आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो चलिए जान लेते हैं और भी स्पेसिफिकेशन। तो जहाँ तक बात कर रहे थे जो इस डिस्प्ले एमोलेड स्क्रीन आएगा और आपको जो रेजुलेशन देखने को मिल जाती है वो है 100x2400 पिक्सल में आपको रेजुलेशन देखने को मिल जाएगा, और जो डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो आपको 60 हर्ज में रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो डिस्प्ले जो टच सैम्पलिंग जो रेट होती है वो भी आपको 180 हर्ज में रिफ्रेश रेट आती है जो टच सैम्पलिंग रेट है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको पंच होल कटआउट देखने को मिल जाएंगे जो सेल्फी स्नैपर के लिए, जो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर आती है। और अगर परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है जो क्वालकॉम की तरह से, जो ये जो चिपसेट आने वाली है इसमें आपको 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, यानी 5G सपोर्टेड चिपसेट है जो आपका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 SoC में आती है। साथ ही साथ इसमें आपको ग्राफिक देखने को मिल जाएंगे जो एड्रोनो 619 GPU में आपको ग्राफिक देखने को मिल जाती है, और जो कपल्ड विथ रैम एंड स्टोरेज आती है वो 8GB रैम जो LPDDR4X टाइप रैम होगा, एंड स्टोरेज 128GB का इंटरनल स्टोरेज जो UFS 2.2 टाइप इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकती है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम आनी है वो बहुत ही जबरदस्त आने वाली, कलर OS 12 बेस एंड्रॉयड 12 देखने को मिल जाएगा जो कंपेयर विथ ओप्पो रेनो 7, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी को बहुत ही ज़्यादा धासू ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप रेनो 7 जो सीरीज निकाला था उससे कंपेयर कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कैमरे के बारे में बात करते हैं। तो कैमरे में आपको ट्रिपल सेटअप में कैमरा देखने को मिल जाएगा जो है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल जी हाँ मोनोक्रोम कैमरा जो लेटेस्ट है, और साथ ही साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी देखने को मिल जाएगा, यानी टोटल ट्रिपल सेटअप में कैमरा और सेल्फी स्नैपर तो आपको पता है चल ही गया है जो 16 मेगापिक्सल में आने वाली है। और लास्ट में बचती है जो बैटरी कैपेसिटी और चार्जर वगैरह, तो बैटरी भी आपको 4500 mAh में बैटरी देखने को मिलेगा और 33W का फास्ट चार्जर के साथ आती है। नेटवर्क कनेक्टिविटी जो आपको 5G बता दिया जो 5G सपोर्टेड है, एंड ऑब्वियसली इसमें 4G 3G 2G सब कुछ सपोर्टेड है, और पोर्ट्स वगैरह सिमिलर है। सिक्योरिटी के मामले में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा और फेस अनलॉक वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा। सो गाइस बाकी चीज़ें सिमिलर है तो आई होप कि वो बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है। तो गाइस आज की इस वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो क्लास तक वॉच करने के लिए।